हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू इन द बबली किचन। आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया होगा तो वहाँ पर आपको रेड कलर के बड़े ही स्वादिष्ट मीठे प्याज मिलते हैं खाने के लिए। आज हम आपको उसी की रेसिपी बताने जा रहे हैं। वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और घर में बनाने बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। रेड ओनियन पिकल बनाने के लिए हमने 300 ग्राम प्याज लिए हैं और छोटे आकार के प्याज लेने हैं और उसको बीच में कट लगाना है प्लस के निशान की तरह। इसको आप चार पीसेस में काट लें। ये देखिए, इस तरह से बीच में से कट कीजिए और प्लस की तरह इसको काट के रख लें। इसको चार चार टुकड़ों में काट लें। अगर आपके पास प्याज बड़ा है तो उसको आप सैलड की तरह गोल गोल भी काट सकते हैं। इस तरह से गोल गोल भी आप इसको काट सकते हैं। आप जैसी शेप चाहते हैं आप उसके हिसाब से आप काट सकते हैं। और ये प्याज के भी इस तरह से पतले पतले पीसेस काट लिए हैं, या आप छोटे प्याज हैं तो उनको चार पीसेस में कट कर लें। इसमें सौ ग्राम चुकंदर है, इसको छील के इस तरह से पतले पतले पीसेस में हमने काट लेना है। एक कप हमने वाटर लिया है और एक कप विनेगर लिया है। बराबर लेना है आपने दो चम्मच चीनी और दो चम्मच नमक और एक सूखा जार, कांच का या जो भी आपके पास है अवेलेबल। अब हम सबसे पहले एक पैन के अंदर पानी को डालेंगे, एक कप पानी, उसको थोड़ा गर्म करेंगे। उसके अंदर विनेगर भी डाल देना है। दोनों को मिला के इसको हल्का गर्म करना है और चीनी और नमक इसको घोल लेना है अच्छी तरह से, जब तक ये घुल ना जाए। फिर एक हमने दालचीनी का टुकड़ा लेना है छोटा, उसको भी हमने पानी में डाल के बॉयल करना है। बॉयल नहीं करना उसको, बस चीनी घुलने तक उसको बीच में रखना, गरम करना, उसका फ्लेवर आएगा उसमें दालचीनी का। चीनी घुलने तक हमने इसको गरम करना है। किसी स्पून से इसको हिला लें अच्छी तरह से ताकि चीनी घुल जाए। ये देखिए, हमारी चीनी घुल चुकी है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और तब तक हम एक जार के अंदर सारे प्याज जो हैं वो डाल देंगे। शीशे के जार में सारे ऑनियन डाल दें और फिर उसके अंदर ये चुकंदर भी डाल दें। और जो हमने वो घोल बनाया था चीनी और नमक का, वो ठंडा होने के बाद थोड़ा इसमें डालना है हमने। ये अब हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसको हम इसके अंदर डाल देंगे, जार के अंदर डाल देंगे। इसको हमने इतना डालना है कि प्याज हमारे बीच में डूब जाए सारे। ये हमें कम लगा है तो हमने इसमें थोड़ा सा वाटर और विनेगर और डाल दिया, क्योंकि प्याज जो है उसके अंदर बिल्कुल इस तरह डिप होने चाहिए पूरे। ये रेड ओनियन पिकल 4-5 घंटे के अंदर बनके तैयार हो जाता है। इसको आप आराम से खा सकते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। अच्छा, ये हमने 24 घंटे के बाद इसको देखा है तो ये देखिए, इसका कलर इतना अच्छा रेड आ गया है। वैसे ये 4-5 घंटे के बाद खाने के लायक हो जाता है। आप इसको लंच या डिनर में इस तरह से सर्व कर सकते हैं।
ये पिकल आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और बनाने में भी बहुत ही आसान है। आप इसको बनाएं और बताएं आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ अपने व्यूज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन क्लिक करना ना भूलें। राइट हैंड पे बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं और अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।